हर हर महादेव। मैं महागुरु गौरव आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए सुख में मंगल में रहे, ये मेरी कामना है आप सभी के लिए। आशा करता हूँ जितने मैं उपाय हर वीक आपको बताता हूँ और जो आपका राशिफल बताता हूँ वीकली, उन उपाय को आपने अपने राशिफल के हिसाब से अपने सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए उपाय किए होंगे। इस साल नए वर्ष में, नए साल के लिए डिफरेंट राशियों के लिए कुछ मैंने नए उपाय भी हर एक राशि के साथ में इंक्लूड किए हैं, जो हर राशि के साथ में मैं बताऊंगा। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, शुभ रत्न है पन्ना, शुभ दक्ष चार मुख्य रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर की दिशा। इस सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए धन लाभ के योग हैं, सितारे आपके साथ हैं, आपको सजग और सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को सहारा जाएगा, इसका फल आपको आमदनी के रूप में मिलेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव भी संभव है, वाद विवाद में विजय भी प्राप्त होगी। सप्ताह विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए खूब मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह थोड़ी एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी। जीवन साथी या लव पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन भी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ उथल पुथल रह सकती है। सप्ताह आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना है। संतान को भी शारीरिक कष्ट हो सकता है, आपको अपना और अपनी संतान का शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरफ से सपोर्ट करना है। तो देखा जाए सप्ताह कैसे सप्ताह है, सप्ताह को अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि मांस मदिरा से परहेज करें, शुद्ध शाकाहारी बनना है, अल्कोहल छोड़ देना है। दांत और जीभ को फिट करी से साफ करना शुभकारी रहेगा। मंदिर में दूध और चावल का दान करना शुभकारी रहेगा। बंदरों को गुड़ का दान करना शुभकारी रहेगा। खाने से पहले कौवे को रोटी खिलाएं। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। गले में विधारा जल धारण करें। किन्नरों का आशीर्वाद लें। रविवार को भैरव मंदिर जाएं और दूध चढ़ाएं। अनाथ व निर्धन विद्यार्थियों की मदद करें। बुधवार के दिन तुलसी के पत्तों का सेवन करें। घर में कटीले पौधे और झाड़ियाँ नहीं लगानी है। घर में यदि कोई फटी हुई वस्तु पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें या खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं, उनको मंदिरों में दान कर दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। सोने और चांदी की चेन का धारण करना शुभकारी रहेगा। कुछ रोगों की सेवा करना, शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी देना और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करना इस राशि के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में ये उपाय मददगार साबित होंगे। तो इस साल के लिए मैंने और इस साल जो सप्ताह शुरू हो रहा है इसके लिए मैंने आपको कुछ उपाय बताए। ये उपाय यदि आप साल भर करते रहते हैं तो जो भी नेगेटिव प्लैनेट के कंजंक्शन आपके राशि के अंदर एक मैलेफिक इम्पैक्ट देते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जीवन में कुछ उथल पुथल आ सकती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, ये समस्याएं सब इन उपायों से दूर होंगी। इन समस्याएं आपके जीवन में ना आए, 2018 आपके लिए शुभकारी और कल्याणकारी साबित हो, आपको हर प्रकार की समृद्धि सुख प्राप्त हो, आप खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।